स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। जुड़िए हमसे और साझा करें इस सफर को, जहाँ हर क्लिक एक नया परिचय होता है। यह कहानी है दो लड़कियों की आत्मा के बारे में, जिनकी मौत हो गई थी एक टनल के अंदर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है दो लड़कियों की आत्मा के बारे में। उत्तराखंड के पास स्थित एक टनल, इस टनल का निर्माण सन 1950 के करीब किया गया था। इस टनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि वहां के आसपास के इलाकों में खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। जब भी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी, इस टनल के द्वारा खेतों तक पानी पहुँचाया जाता था। क्योंकि वहां पे बहुत कम आबादी है, इसलिए बस जरूरत के समय ही टनल से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था, बाकी समय टनल के अंदर पानी नहीं रहता था। टनल के बनने और चालू होने के काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन वहां पे एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका दिल दहला के रख दिया। वैसे तो टनल के निर्माण के समय और उसके बाद भी यहाँ कई छोटे मोटे हादसे हुए, पर एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें यहाँ के आसपास के लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि टनल के पास में ही एक घर में आग लग गई। उस समय उस घर के अंदर एक लड़की थी जो कि उस समय सो रही थी। अचानक आग लगने की जानकारी उसको नहीं हुई। जैसे ही आग उस लड़की के कमरे तक पहुंची और लड़की की नींद खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह लड़की आग को देखकर डर गई और वहां से भागने लगी, पर भागते हुए लड़की ने कपड़ों में आग लग चुकी थी। लड़की आग बुझाने के लिए टनल के तरफ भागी ताकि टनल के पानी से वो अपने कपड़ों में लगी आग बुझा पाए। उस बिचारी की किस्मत खराब समझो या जो भी समझो, उस समय टनल में पानी नहीं था। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। इतनी भयंकर चीख सुन के आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए, पर आग इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि उसे कोई बचा नहीं पाया और वह लड़की उस टनल के अंदर तड़पते तड़पते मर गई। उसके बाद लोग उस टनल के पास जाने से भी डरने लगे, मगर फिर भी वहाँ पे सब नॉर्मल ही चल रहा था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वहाँ एक बहुत ही भयंकर दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे के बाद वहाँ के लोगों की नींद उड़ गई। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ एक और लड़की की लाश आधी जली हुई मिली। वहाँ आसपास के लोगों का मानना है कि एक रात टनल के अंदर कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और बचने के लिए उस लड़की को टनल के अंदर ही जला के मार दिया। सुबह जब टनल के पास से जलने की बदबू आ रही थी तो लोगों ने वहां जाके देखा तो एक लड़की की आधी जली हुई लाश उस टनल के अंदर पड़ी हुई मिली। इसके बाद से ही उन दोनों लड़कियों की आत्मा उस टनल के आसपास ही रहती है। टनल के पास में अभी भी जलने की बदबू आती रहती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ रोशनी करने की कोशिश करता है, उन दोनों लड़कियों की आत्माएं उसे परेशान करती हैं। एक बात की बात है, एक सफाई कर्मचारी उस टनल की सफाई करने के लिए टनल के अंदर गया। अंधेरा होने की वजह से सफाई के लिए जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, वैसे ही वहाँ एक भयंकर चीख के साथ पूरा टनल गूंज उठा और उस कर्मचारी को उसके ठीक ऊपर छिपकली दिखाई दी जो कि सिर की तरफ से आधी जली हुई थी। उसके बाद सफाई कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भाग गया। दोस्तों, उसकी जान तो बच गई पर उसका मानसिक संतुलन अभी तक बिगड़ा हुआ है।